खनन विभाग के अंदर जांच के क्रम में हमारे कुछ पदाधिकारियों का संवेदकों के साथ संलिप्तता उजागर हो रही है, क्योंकि संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार जो फाइन किया गया विभाग के संज्ञान में वह मामला आया है कि उसमें किस तरह से गड़बड़ी की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि गया जिला अंतर्गत 4 अवैध खनन संबंधी मामले में आरोपित दंड की राशि कुल 31,25,00,000, जुर्माना दंड की राशि को घटाकर 32,00,000 रुपया कर दिया गया। तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी गया के इस कृत्य को विभाग द्वारा स्वतः संज्ञान में लेते हुए संबंधित अभिलेखों को विभाग में मंगाकर सघनता से जांच हमने प्रारंभ की है। आपको मैं बता दूं कि ये मामला 2023 का है। 2023 में किसकी सरकार थी, सभी को पता है कि राजद के पीरियड में कैसे पदाधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था। 19,35,00,000 फाइन किया गया और उसको 6,81,000 में मुक्त किया गया। गया का 6,81,000 में मुक्त कर दिया। उसी तरह के 8,14,00,000 का मामला, ये भी 2023 का है, 11,58,000 में उसको मुक्त कर दिया गया। 8,14,00,000, पहला है 19,35,00,000 जिसको 6,81,000 में मुक्त किया गया, दूसरा 8,14,00,000 जिसको 11,58,000 में मुक्त किया गया, तीसरा है 3,28,00,000 जिसको 8,19,000 में मुक्त कर दिया, चौथा है 48,33,000 उसको 6,31,000 में मुक्त किया गया, और सबसे कमाल का विषय है कि जिसको अधिकार नहीं है वह पदाधिकारी यह खेल खेला है। मुझको पहले से विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट छानबीन आ रही थी आम लोगों के द्वारा, गया के एमडीओ को हमने सस्पेंड कर दिया था। आज से 3-4 महीना पहले ही एक मामले में उसने गड़बड़ी की थी, और जब पूरी फाइल और कागजात की छानबीन शुरू हुआ है तो एक जिले का ये मामला आया है उस पीरियड का। हमने तमाम अभिलेखों को विभाग में मंगाकर अपने प्रधान सचिव के कोर्ट में सुनने के लिए निर्देशित किया है।